नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मीरपुर में जारी। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने रखा 96 रन का लक्ष्य। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच और डेनिल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं पांचवी वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सित्सिपास हुए उलटफेर का शिकार। महिला एकल वर्ग में सबालेंका, रायबाकीना और ओन्स जेब्यूर पहुंची अंतिम आठ में। विंबलडन में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू। नोवाक जोकोविच की भिड़ंत आंद्रे रूबलेव से, वहीं गाश्वांतेक का सामना यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से। और दक्षिण अफ्रीका की डबल ओलंपिक चैंपियन कास्तर सेमेन्या को मिली राहत। यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत ने सेमेन्या के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा सेमेन्या को मिलना चाहिए एक नया मौका। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मीरपुर में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने बांग्लादेश के सामने 96 रन का लक्ष्य रखा है और ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 7 विकेट खोकर 87 रन बना लिए हैं। मैच में अभी 5 गेंद बाकी हैं और जीतने के लिए बांग्लादेश को 9 रन बनाने हैं। शेफाली वर्मा भारत की तरफ से ये आखिरी ओवर फेंक रही हैं, तो बेहद रोमांचक मोड़ पर इस वक्त है मैच। यहां पर 8वां विकेट इस वक्त गवा दिया है बांग्लादेश की टीम ने, तो 4 गेंद पर उन्हें 9 रन की जरूरत है और बांग्लादेश के हाथ में 2 विकेट बाकी हैं और शेफाली वर्मा भारत की तरफ से गेंदबाजी कर रही हैं आखिरी ओवर में। आउट होने वाली बल्लेबाज जो रही वो नाहिदा अख्तर रही, जो 6 रन बनाकर आउट हुई और फिलहाल सुल्ताना खातून जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। तो भारत एक मैच जीत चुका है इस सीरीज में, 1-0 की बढ़त भारत को हासिल है। अगर बांग्लादेश की टीम ये मैच जीतती है तो सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ जाएगी और अगर भारत की टीम ये मैच जीतती है तो भारत को 2-0 की अजेय बढ़त मिल जाएगी। 4 गेंद बाकी हैं और 9 रन की जरूरत है बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए। और अब खबर साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से जुड़ी हुई। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच और डेनिल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं पांचवी वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सित्सिपास को उलटफेर का शिकार होना पड़ा। महिला एकल वर्ग में अरीना सबालेंका, रायबाकीना और ओन्स जेब्यूर ने अंतिम आठ में जगह बनाई। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्काराज ने इटली के मेटेओ बेरेटिनी को 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 से हराया। वहीं सर्बियाई दिग्गज और विश्व नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जोकोविच ने इस टूर्नामेंट में लगातार 32वीं जीत हासिल करते हुए पोलैंड के हुबर्ट हरकच को हरा दिया। 36 साल के इस गत विजेता ने हरकच को 4 सेटों तक चले मुकाबले में हराया। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में जोकोविच ने पोलैंड के हुबर्ट हरकच को 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 से मात दी। इन दोनों के बीच ये मुकाबला रविवार को शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारण मैच को बीच में रोकना पड़ा जो सोमवार को पूरा किया गया। क्वार्टर फाइनल में 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच का सामना 7वीं वरीय रूस के आंद्रे रूबलेव से होगा। तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का करने में सफल रहे हैं। मेदवेदेव ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में चेक खिलाड़ी जिरी लेहेका को हराया। दरअसल चोट के चलते जिरी लेहेका को मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा और उस समय मेदवेदेव 2 सेट जीतकर बढ़त बनाए हुए थे।
पांचवी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें गैर वरीय अमेरिका के क्रिस्टोफर यूबैंक्स ने उलटफेर का शिकार बनाया। यूबैंक्स पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेल रहे हैं। उन्होंने पहली बार ही किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। सित्सिपास को विंबलडन प्री क्वार्टर मुकाबले में अमेरिका के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी क्रिस्टोफर यूबैंक्स ने 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4 से हराया। डेनमार्क के टेनिस खिलाड़ी होलगर रूने ने भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। होलगर ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रियव को 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में होलगर का सामना वर्ल्ड नंबर एक स्पेन के कार्लोस अलकराज से होगा। वहीं महिला एकल वर्ग की बात करें तो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अरीना सबालेंका ने विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सबालेंका ने अपनी प्रतिद्वंदी को सीधे सेट्स में हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। गत विजेता कजाकिस्तान की अलेना रायबाकिना को भी वॉकओवर मिला। उनके खिलाफ ब्राजील की बीट्रिज हदाद मैया सिर्फ 5 गेम के बाद चोट के कारण बाहर हो गईं। उस समय रायबाकिना 3-1 से आगे थीं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ट्यूनिशिया की ओंस जबियोर से होगा। विश्व नंबर 6 ट्यूनिशियाई खिलाड़ी ओंस जबियोर भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रही हैं। जबियोर ने प्री क्वार्टर मुकाबले में पेट्रा क्विटोवा को 6-0, 6-3 से हराया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू अबडेन पुरुष युगल के अंतिम 16 दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे दौर में ब्रिटेन के जैकब और जोहानस मंडे को 7-5, 6-3 से हराया। इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने मुकाबले के दौरान 5 एसेज लगाए जबकि प्रतिद्वंदी जोड़ी 2 ही लगा सकी। बोपन्ना एबडेन में पहले दौर में अर्जेंटीना के गुइलेर्मो और टॉमस अचेवेरी को पराजित किया। हालांकि मिश्रित युगल में बोपन्ना और कनाडा की गैब्रियला डब्रोवस्की की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज़। और भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम के बीच जो दूसरा T20 खेला जा रहा था उसका अपडेट हम दे देते हैं। भारत ने इस मैच में रोमांचक जीत दर्ज की है। भारत ने इस मैच को 8 रन से अपने नाम कर लिया है। 95 रन बनाए थे भारतीय टीम ने, 96 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम। 20 ओवर में 96 रन बनाने थे लेकिन जो बांग्लादेश की टीम है वो 20 ओवर में 87 रन ही बना सकी और शेफाली वर्मा ने भारत की तरफ से आखिरी ओवर फेंका था और उन्होंने भारत को इस मैच में शानदार जीत दिलाई। भारत ने अब इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और टेनिस की खबरों पर वापस हम लौटते हैं। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष एकल वर्ग में जैनिक सिनर का सामना रूस के रोमन सेफुलिन से होगा, वहीं नोवाक जोकोविच की भिड़ंत आंद्रे रूबलेव से होगी। महिला एकल वर्ग में जेसिका पेगुला के सामने मार्केता वांड्राउसोवा होंगी, वहीं इगा श्वांतेक की भिड़ंत यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना से होगी। विंबलडन में आज से क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू हो रहा है। पुरुष एकल वर्ग के पहले मुकाबले में 8वीं वरीयता प्राप्त इटली के जैनिक सिनर का सामना रूस के रोमन सेफुलिन से होगा। सेफुलिन एक गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। सेफुलिन ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कनाडा के डेनिस अपाओलू को हराया था जबकि जैनिक सिनर ने कोलंबिया के डेनियल एलाही गैलन को हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया है। पुरुष एकल वर्ग के दूसरे क्वार्टर फाइनल में विश्व नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की भिड़ंत 7वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रूबलेव से होगी। जोकोविच पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं जबकि रूबलेव ने अलेक्जेंडर बुबलिक को मात देकर अंतिम आठ में प्रवेश किया है। महिला एकल वर्ग में भी आज 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। पहले मैच में अमेरिका की जेसिका पेगुला का सामना चेक गणराज खिलाड़ी मार्केता वांड्राउसोवा से होगा। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में पेगुला ने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया था। दिन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक की भिड़ंत यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से होगी। स्वितोलिना का इस प्रतियोगिता में अब तक का सफर शानदार रहा है। वे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विक्टोरिया अजारेंका को शिकस्त देकर अंतिम आठ में पहुंची हैं। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई टीम इंडिया को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। वेस्ट इंडीज दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज के साथ होगी जिसका पहला मुकाबला 12 जुलाई से डोमिनिका में शुरू होगा। भारतीय टीम ने कैरेबियाई धरती पर पिछली 4 टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 12 जुलाई से दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच डोमिनिका के मैदान पर खेला जाना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद टीम इंडिया नए सिरे से शुरुआत करने उतरेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज से भारत की WTC साइकिल भी शुरू हो जाएगी। टीम इंडिया पुरानी यादों को भुलाकर जीत से शुरुआत करना चाहेगी। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 24 वर्षों में भारत का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। साल 2000 से अब तक टीम इंडिया ने कैरिबियन जमीन पर 5 टेस्ट सीरीज खेली है, जिसमें से 4 में भारत ने जीत हासिल की है। ये चारों सीरीज टीम इंडिया ने लगातार जीती है। भारत को वेस्टइंडीज में 2002 में पिछली बार सीरीज में हार मिली थी। तब 5 टेस्ट मैच की सीरीज में वेस्टइंडीज ने भारत को 2-1 से हराया था। इसके बाद 2006, 2011, 2016 और 2019 में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज अपने नाम की। 2019 में खेली गई टेस्ट सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया। वहीं 2016 में भारतीय टीम ने 4 मैच की सीरीज में 2-0 से जीत हासिल की। 2011 में 3 मैच की सीरीज में 1-0 से सफलता हासिल की। वहीं 2006 में भारत ने 4 मैच की सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज में अब तक भारत ने 51 टेस्ट खेले हैं। इसमें से टीम इंडिया ने सिर्फ 9 में जीत हासिल की है, जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं 26 टेस्ट ड्रॉ रहे। डोमिनिका में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सिर्फ एक टेस्ट खेला गया है, जो कि ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। ये मुकाबला 2011 में खेला गया। दोनों टीमों के बीच टेस्ट में ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक कुल 98 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 22 और वेस्टइंडीज ने 30 टेस्ट जीते हैं, जबकि 40 टेस्ट ड्रॉ रहे। साल 2004 से लेकर अब तक वेस्टइंडीज में बाकी टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो जीत प्रतिशत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत यहां तीसरी सबसे सफल टीम रही है। इस दौरान टीम इंडिया ने कैरिबियन जमीन पर 13 टेस्ट खेले हैं और कोई भी मैच नहीं गंवाया है। भारत ने इसमें से 6 टेस्ट जीते हैं, जबकि 7 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 46.10 रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम कल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। ये दौरा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए बेहद अहम है। वेस्टइंडीज दौरे पर विराट कोहली टेस्ट और वनडे सीरीज में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी नजर कुछ नए रिकॉर्ड्स पर रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है। इस दौरे पर टीम इंडिया 2 टेस्ट के अलावा 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। भारत और वेस्टइंडीज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में बुधवार को आमने सामने होंगे। वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का चयन टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए हुआ है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए वेस्टइंडीज का दौरा बेहद अहम होने की उम्मीद है। इस दौरे पर कोहली की नजर कई रिकॉर्ड्स पर होगी। विराट इस बार कई उपलब्धि अपने नाम करने उतरेंगे। एक नजर डालते हैं वेस्टइंडीज में विराट के रिकॉर्ड पर। वेस्टइंडीज में विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज की धरती पर कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 35.61 की औसत से 463 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में विराट ने 18 मैचों में 58.92 की औसत से 825 रन बनाए हैं। T20 में उन्होंने 3 मैच खेले हैं और 37.33 की औसत से 112 रन अपने नाम किए हैं। विंडीज के खिलाफ नए रिकॉर्ड पर नजर। विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 3 फॉर्मेट में कुल 70 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान ने 57.98 की औसत से 3,653 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पारी में उन्होंने 11 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं। कोहली अगर आगामी टेस्ट और वनडे सीरीज में अगर कुल 468 रन बना लेते हैं तो विंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट तोड़ सकते हैं द्रविड़ का रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज दौरे पर कोहली की नजर अपने टीम के कोच राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ने की भी होगी। वे राहुल द्रविड़ को वेस्टइंडीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। कोहली ने वेस्टइंडीज की जमीन पर अब तक 3 फॉर्मेट में 1,365 रन बनाए हैं। वहीं वेस्टइंडीज में द्रविड़ के नाम 1,838 रन दर्ज हैं। विराट को इसके लिए टेस्ट और वनडे सीरीज में कुल 474 रन बनाने होंगे। विंडीज के खिलाफ जड़ सकते हैं सबसे ज्यादा शतक। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है। गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 शतक लगाए हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर जैक्स कैलिस हैं, उन्होंने 12 शतक जड़े हैं, जबकि
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डेविलियर्स ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 11 शतकीय पारी खेली है। कोहली के नाम भी 11 शतक हैं। अगर टेस्ट और वनडे सीरीज में विराट कुल 3 शतक लगा देते हैं तो एक साथ डेविलियर्स कैलिस और गवास्कर को पीछे छोड़ देंगे। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर 2 टेस्ट के अलावा 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। T20 सीरीज के आखिरी 2 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का चयन टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए हुआ है। T20 में उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण टीम से बाहर रखा गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। बात करते बैडमिंटन की। आज से शुरू हो रही US ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और लक्ष्य सेन करेंगे। अभी हाल ही में कनाडा ओपन का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सेन पर सबकी निगाहें होंगी। वहीं पुरुष वर्ग में साई प्रणीत बुधवार को अपने शुरुआती मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। कनाडा ओपन में अंतिम 4 से बाहर हुई PV सिंधु की कोशिश भी अपनी गलतियों को सुधारते हुए खिताब हासिल करने की होगी। महिला वर्ग में भारत की तरफ से GR शिवानी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत ने ओलंपिक धावक कास्टर सेमेनिया के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के कोर्ट्स को सेमेनिया को एक नया मौका देना चाहिए ताकि वे महिला एथलीट्स के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम करने को लेकर अपनी लड़ाई लड़ सके। दक्षिण अफ्रीका की डबल ओलंपिक 800 मीटर की चैंपियन सेमेनिया ने फरवरी 2021 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का रुख किया था, जब वे खेल की सर्वोच्च अदालत कैस और स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में लंबी लड़ाई के बाद अपनी अपील हार गई थी। ECHR ने 3 के मुकाबले 4 मत से सेमेनिया के पक्ष में फैसला सुनाया कि वर्ल्ड एथलेटिक्स रेगुलेशंस में उनकी सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हुई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से फीफा महिला विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही सभी 32 टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खिताब की प्रबल दावेदार अमेरिका की टीम भी प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम ने विश्व कप से पहले दोस्ताना मुकाबले में वेल्स को 2-0 से हराकर अपनी तैयारियों के सही दिशा में होने का सबूत दिया। 4 बार की चैंपियन अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम तैयार है एक बार फिर खिताब अपने नाम करने के लिए। 20 जुलाई से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए अमेरिका की टीम इन दिनों कड़ा अभ्यास कर रही है। न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले टीम का कैलिफोर्निया में लंबा अभ्यास शिविर आयोजित किया गया। टीम के सभी खिलाड़ियों ने अभ्यास शिविर में हिस्सा लिया और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। टीम ने रविवार को दोस्ताना मुकाबले में वेल्स को 2-0 से हराने में सफलता पाई। अमेरिका की टीम की कई खिलाड़ियों का ये अंतिम विश्व कप हो सकता है। टीम के अनुभवी स्ट्राइकर मेगन रापिनो ने विश्व कप से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये उनका अंतिम सीजन होगा। वे इस सीजन के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लेंगी। वे चौथी बार विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही हैं। 2019 के विश्व कप में रापिनो को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था। मैं गहरी भावना, कृतज्ञता और उत्साह के साथ आप लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहती हूं। यह मेरा आखिरी सीजन, मेरा आखिरी विश्व कप होने जा रहा है। मैं बस सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, कोच व्लाद को, अमेरिका फुटबॉल और वो सभी लोग जिनके साथ मैंने खेला है। मैं सभी को मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यह खूबसूरत खेल मुझे कहाँ ले आएगा। इतने वर्षों तक इस महासंघ में देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने पर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं बस हर पल को महसूस करना चाहती हूं और इसे टीम के साथी खिलाड़ी, दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना चाहती हूं। I feel so honored to be able... मौजूदा चैंपियन अमेरिका को विश्व कप जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। टीम के कोच खिलाड़ियों की तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं और टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त भी हैं। उनका कहना है कि अमेरिका जैसी टीम को कोचिंग देना उनके लिए गर्व की बात है। सच कहूं तो इस अमेरिका टीम का हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है। टीम ने अब तक जैसा प्रदर्शन किया है, जिस तरह से मैदान पर लड़ती हैं, जिस तरह से मैदान और अंदर के बाहर टीम का प्रदर्शन है, उसे देखते हुए टीम को कोचिंग देना मेरे लिए सम्मान की बात है।
महिला फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में अमेरिका सफलतम टीम है। टीम ने अब तक 4 बार विश्व कप अपने नाम किया है। 2015 और 2019 में वो चैंपियन बनने में सफल रही थी। ऐसे में मौजूदा चैंपियन के रूप में विश्व कप में उतरने जा रही अमेरिका की कोशिश खिताब की हैट्रिक लगाने की होगी। विश्व कप में अमेरिका को ग्रुप ई में रखा गया है, जहां उनके साथ वियतनाम, नेदरलैंड्स और पुर्तगाल की टीम मौजूद है। अमेरिका को पहला मैच 22 जुलाई को वियतनाम के साथ खेलना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। कोलंबिया की टीम तीसरी बार महिला फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए बेहद उत्साहित है। 2011 में ग्रुप स्टेज और 2015 में राउंड ऑफ 16 से बाहर होने वाली कोलंबिया की टीम इस बार मजबूत आक्रमण पंक्ति के साथ उतरी है। कोलंबिया की महिला फुटबॉल टीम 20 जुलाई से शुरू हो रहे महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम की खिलाड़ी कैटलिना उसमें का कहना है कि वे पहले चरण में अपनी विरोधी टीमों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक कोलंबिया की टीम की सबसे बड़ी ताकत उनका अटैक है। इस टीम के पास आक्रमण के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे पास अटैक में कई अहम खिलाड़ी हैं। हमने अपनी आक्रमण पंक्ति पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हमारी टीम बहुआयामी है। हमने अपने विरोधियों पर अटैक करने का एक नया और विशेष तरीका निकाला है। हमारी टीम एक ऐसी टीम है जो शारीरिक रूप से इस विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम की एक अन्य अहम खिलाड़ी कैटलिना पेरेज ने कहा कि उनकी टीम के खिलाड़ियों का पूरे मैच में कनेक्टेड रहना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे दिमाग में जो दो शब्द आते हैं वो है डिफेंसिव ऑर्डर। हमें बहुत अच्छे तरीके से मूव करना होगा। हमें 90 या 100 मिनट तक आपस में पूरी तरह जुड़ा रहना होगा। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हम में से कौन क्या कर रहा है। कोलंबिया की टीम तीसरी बार महिला फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लेगी। 2011 में कोलंबिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, वहीं 2015 में वे राउंड ऑफ 16 तक गए थे। कोलंबिया को अपने ग्रुप में जर्मनी, मोरक्को और दक्षिण कोरिया का सामना करना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम विश्व कप से पहले कड़े अभ्यास में जुटी हुई है। इंग्लैंड की टीम को विश्व कप में अपना पहला मैच 22 जुलाई को ब्रिस्बेन में हैती के खिलाफ खेलना है। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम महिला फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। टीम का अभ्यास सत्र देखने के लिए उनके कई प्रशंसक भी पहुंचे। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस ने इंग्लैंड की टीम की खिलाड़ियों को जर्सी भेंट की। मेरे ख्याल से हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे देश के लोग हम पर गर्व कर सकें। हम इस प्रतियोगिता में आगे तक जाना चाहेंगे। हर अभ्यास सत्र में हम कड़ी मेहनत करते हैं। अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। इंग्लैंड की टीम में हमेशा से ही मजबूती और गहराई रही है। हमारी घरेलू लीग काफी मजबूत है और हमारे पास बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। ये बहुत दुख की बात है कि कुछ खिलाड़ी हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें गंभीर चोट लगी है। अब हमें इन खिलाड़ियों पर ध्यान देने की जरूरत है जिनके साथ हमें खेलना है। हमारे पास यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने कनाडा में 2015 में हुए विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। वहीं वे 4 साल पहले फ्रांस में हुए विश्व कप में 4th स्थान पर रही थी। इंग्लैंड की टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 22 जुलाई को ब्रिस्बेन में हैती के खिलाफ होने वाले मैच से करेगी। इंग्लैंड को अपने ग्रुप में डेनमार्क और चीन के साथ भी खेलना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इथियोपिया की धावक सिनबेरे तेफेरी को एक गलती बहुत भारी पड़ी। एटलांटा में आयोजित पीच ट्री रोड रेस में तेफेरी अपने खिताब की रक्षा करने उतरी थी। वे दौड़ में सबसे आगे भी चल रही थी। हालांकि जब वे फिनिश लाइन के नजदीक थी तभी उन्होंने एक गलत टर्न ले लिया। दरअसल वे गलती से पुलिस मोटरसाइकिल के पीछे मुड़ गई। वापसी करने के बाद वे 3rd स्थान पर ही आ सकी। 10 किलोमीटर की ये दौड़ हर साल आयोजित की जाती है। पिछले साल तेफेरी ने इस दौड़ को जीता था। विजेता को $10,000 मिलते हैं। 3rd स्थान पर रहते हुए तेफेरी को $3,000 मिले। इस तरह एक गलत टर्न लेने से उन्हें $7,000 का नुकसान उठाना पड़ा। तो एक गलती, एक जो है गलत मोड़ लेना काफी भारी पड़ा इस धाविका को। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।